नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा फेरबदल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा सियासी बदलाव हुआ है। आप ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जो बाबुल सुप्रियो आज से ठीक 48 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और अपने राजनीति जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, वही बाबुल सुप्रियो आज तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। आज शनिवार है और शनिवार के दिन ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। आपको बताते चले कि 48 दिन पहले बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दिया था भारतीय जनता पार्टी से और अपनी राजनीति जीवन से संन्यास की घोषणा की थी, जब बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया था। उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने यह फैसला लिया था और उसके बाद उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि तृणमूल कांग्रेस तो क्या, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा भविष्य में और मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना रहूंगा। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने इस पोस्ट को एडिट कर दिया था। आपको बताते चले कि आज शनिवार को बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की, तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की बाबुल सुप्रियो ने अभिषेक बनर्जी के देखरेख में, अभिषेक बनर्जी के उपस्थिति में। आपको एक बात बताते चले कि उपचुनाव होना है, 30 सितंबर को उपचुनाव होना है और ममता बनर्जी को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए ये चुनाव जीतना बहुत ही जरूरी है। और अब बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करते हुए कहा कि ये फैसले बीते 4 दिनों में हुए। बीते 4 दिनों में उन्होंने ये फैसला लिया कि ममता बनर्जी के ऊपर जनता का भरोसा है और मुझे तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका राजनीति में रहने का मकसद था समाज सेवा करना और समाज को आगे लेकर जाना, और वो ममता बनर्जी कर रही है और जनता को ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा है, इसलिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, वही बाबुल सुप्रियो जिन्होंने 48 दिन पहले इस्तीफा देकर अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास की घोषणा की थी, आज अचानक तृणमूल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और आगे तृणमूल कांग्रेस के तहत काम करने का उन्होंने ठान लिया है कि ममता बनर्जी के ऊपर जनता को भरोसा है और मैं तृणमूल कांग्रेस में आया और जनता की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा तृणमूल कांग्रेस में रहकर। एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पोस्ट किया था जब केंद्रीय मंत्री थे वो, और जब वो केंद्रीय मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, बड़ा फेरबदल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया था, उस वक्त इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हिस्सा रहूंगा और किसी भी पार्टी को भविष्य में नहीं ज्वाइन करूंगा, किसी भी पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा। लेकिन आज अचानक उनका फैसला, वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस ने शिकस्त दी है, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तृणमूल कांग्रेस में आना जारी है और आज बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट।